बोधगया बालिका सुधार गृह में यौन शोषण का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। बालिका सुधार गृह में यौन शोषण को लेकर पहले ही जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने जांच टीम गठित कर रखी है। जांच टीम अपने स्तर से इसकी जांच कर रही है। डीएम अभिषेक सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस मामले को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। पीड़िता के हर पहलुओं की जांच जांच टीम कर रही है। डीएम ने आगे कहा कि बोधगया बालिका गृह में शोषण की जांच करने के लिए राज्य और केंद्र महिला मोमिन कमीशन के सदस्य भी नवादा होते हुए गया पहुंचेंगे। पहले नवादा में पीड़ित से कमीशन के सदस्य बातचीत करेंगे, वहां से लौटकर गया आएंगे और गया में बोधगया बालिका सुधार गृह जाएंगे, जहां बालिका एवं संबंधित कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। डीएम ने कहा कि पीड़ित के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है, उन सभी बिंदुओं पर जांच करने के उपरांत उन्हें न्याय दिलाई जाएगी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर बाल संरक्षण इकाई और पुलिस पदाधिकारी इसकी जाँच कर रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि जाँच रिपोर्ट आने के बाद पीड़िता को न्याय मिलेगा। अगर इस मामले में कोई भी दोषी होंगे तो ऐसे कर्मी एवं पदाधिकारियों पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। देखिए, इसमें जांच का आदेश दिया गया है और कमेटी के द्वारा जांच किया जा रहा है और प्रिलिमिनरी उनके द्वारा कल जाके वहां पर विभिन्न चीज़ों को देखा भी गया है। इसके अतिरिक्त पटना से भी एक टीम आई है और उनके बारे में देखा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन उनकी मेम्बर हैं, वो भी आज नवादा और गया जाएंगी। मैं फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहूँगा जिससे जांच प्रभावित हो, लेकिन जो सहायक निदेशक बाल संरक्षण गया के द्वारा बताया गया है कि प्रथम दृष्टया ये एलिगेशन सही नहीं साबित हो रहा है, लेकिन फिर भी जांच समिति को सभी पहलुओं को देखते हुए और जो कंप्लेनेंट है उनके सभी बिंदुओं को पे पूर्ण रूप से जाँच कर ही प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें अगर कोई भी सच्चाई होगी तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सेंसिटिव मामला है और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार अगर इशू उठते हैं तो उसमें वो वैसे ही हों, लेकिन इसके तह तक हम लोग जरूर पहुँचेंगे।